ईश्वर का प्रेम दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज साधारण समय का चौदवा रविवार है परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें आज के पाठों का सारांश पहला पाठ प्रभु इसराइलियों के पास भविष्य वक्ता को भेजता है दूसरा पाठ पलूस मसीह के लिए अपमान और कमजोरी सहन करता है सुसमाचार पाठ यीशु को अपने ही गृह नगर में अस्वीकार कर दिया जाता है आज का पहला पाठ एजेकअल की पुस्तक से लिया गया है भविष्य वक्ता को ईश्वर की अपनी व्यक्तिगत पुकार के बारे में पता था परमेश्वर एजेकअल को यह कहते हुए भेजा कि उसे इसराइल के लोगों के पास विद्रोहियों के एक राष्ट्र के पास भेजा गया है जिन्होंने परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया है लोगों ने परमेश्वर के विरोध अपराध किया था वे ढीठ और जिद्दी थे पैगंबर को उनसे बात करनी थी कि वे उन शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं परंतु इसराइल के लोगों को जानना था कि परमेश्वर ने उनके बीच एक भविष्य वक्ता भेजा है पुराने नियम में ईश्वर ने भविष्य वक्ताओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति महसूस कराई कोरिंथ के लोगों को लिखते हुए दूसरे पत्र में संत पौलुस ने उन्हें बताया कि उनके पास अपने काम पर गर्व करने के पर्याप्त कारण थे लेकिन ईश्वर ने ऐसी पीड़ाएं और कमजोरियां भेजी, जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी वह मसीह के लिए इन कमजोरियों और कष्टों से संतुष्ट था यहाँ तक कि वह अपने अंदर मसीह की शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी कमजोरियों पर भी घमन करता था उसने यह भी अनुभव किया कि जब वह कमज़ोर था तब उसे मसीह की शक्ति का एहसास हुआ मरकुस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु ने अपने स्थान के आराधनालय में कुशलतापूर्वक प्रचार किया लोगों को उसकी शिक्षा और उपदेश पर आश्चर्य हुआ परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया वे चकित होकर कहने लगे इस मनुष्य को यह सब कहाँ से मिला उसे कौन सा ज्ञान दिया गया है उसके हाथों से क्या ही महान कार्य होते हैं वे जानते थे कि वह बढ़ाई का बेटा था वे उसके रिश्तेदारों को जानते थे उनके चमत्कारों को देखकर और उनके असाधारण उपदेश को सुनकर भी उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया सब उनके विश्वास की कमी पर आश्चर्यचकित था लोगों ने यीशु को उसके स्थान पर अस्वीकार कर दिया उस समय उन्हें यकीन नहीं था कि यीशु ईश्वर थे अब हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर हैं आइए हम उन पर उनके कार्यों पर और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करें आइए हम उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें और वह हमें अनंत जीवन का प्रतिफल देगा प्रार्थना हे प्रभु ये सुख्रेस्त मैं आपको अपने प्रभु और ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ आप मेरे सृष्टिकर्ता और गुरु हैं मैं आपकी सेवा करता हूँ मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ आपकी इच्छा का पालन करने में मेरी सहायता करें आमिन